हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। इसी सीरीज में हमने डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर स्टडी किए कि कैसे हर रिसेप्टर किसी भी लिगेंड के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसका तरीका अलग अलग होता है ना। जैसे कुछ रिसेप्टर थे जिनको हमने बोला GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उनके इफेक्ट प्रोड्यूस करने का तरीका टोटली डिपेंड करता था टाइप ऑफ जी प्रोटीन जो उनसे एसोसिएटेड थी। उसके बाद हमने देखा था लिगेंड गेटेड आयन चैनल को कि किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल के रिसेप्टर में बाइंड होने के बाद वो क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर चैनल को ओपन करता है या फिर क्लोज करता है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना। उसके बाद आपने देखा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जिसमें हमने देखा कि आपका कोई रिसेप्टर ऐसा भी है जो क्या कर रहा है, किसी एंजाइम से लिंक्ड है और लिगेंड के बाइंड होने के बाद वो जो आपका एंजाइम है उसमें ऐसा चेंज आ रहा है जिसकी वजह से पूरा आपका एक्टिवेशन का पाथ आगे की ओर बढ़ रहा है। आज हम जो पाथवे डिस्कस कर रहे हैं वो है जैकस्टेट पाथवे। ये सेम एंजाइम लिंक रिसेप्टर की तरह है, बट इसमें एक आपका डिफरेंस है, वो क्या है। एंजाइम लिंक रिसेप्टर में आपका क्या था, जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर था उस रिसेप्टर के साथ एक स्पेशल टाइप का एंजाइम लिंक्ड था, जुड़ा हुआ था। जैसे हमने देखा था मोस्टली जो एंजाइम जुड़ा रहता है वो क्या है, आपका टायरोसिन काइनेज है ना। लेकिन जैकस्टेट पाथवे में जो रिसेप्टर होते हैं वो सेम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की तरह ही दिखते हैं अपेयरेंस में, बट उनके साथ ये वाला जो आपका रिसेप्टर होता है इसके साथ कोई भी एंजाइम आपका इंट्रासेलुलरली जुड़ा हुआ नहीं होता है। वहां पे क्या था, एंजाइम अटैच था, इसमें एंजाइम नहीं रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम है। देखते हैं कैसा अपेयरेंस में कैसा दिखता है। अगर आपने एंजाइम लिंक रिसेप्टर पढ़ा है लेक्चर तो आप यहाँ पे उसे जल्द से पकड़ लेंगे। चलिए करते हैं, ये है हमारी मेम्ब्रेन, अगेन लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे एंजाइम लिंक रिसेप्टर हैं या फिर जैकस्टेट पाथवे को जो फॉलो करने वाले रिसेप्टर हैं वो कैसे होते हैं आपके, वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब उनका जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा। ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रा सेलुलर है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी। तो देखिए किस तरीके से होगा रिसेप्टर, फटाफट से ड्रॉ करते हैं। एंजाइम लिंक्ड में भी हमने यही किया था, ये एक रिसेप्टर है, इसी के पास पे दूसरा रिसेप्टर भी बना लेते हैं, ये आया आपका दूसरा रिसेप्टर, ठीक है। अब ये पाथवे कौन फॉलो करते हैं, आपके जो साइटोकाइंस होते हैं बॉडी में, सबको पता है ना साइटोकाइन क्या है, आपके इम्यूनिटी मीडिएटर है, बीच में इम्यून सिस्टम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वही है ये, देखो जब भी आपका जो साइटोकाइन है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, किस तरीके से ये वाला पाथवे फॉलो करेगा ये देखिए आप। ये आपके रिसेप्टर हैं, सिंपली साइटोकाइन आएगा, साइटोकाइन आया और इस तरीके से रिसेप्टर से जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन था यानी कि जहां पे मॉलिक्यूल बाइंड होता है उससे आके बाइंड हो गया। देखो साइटोकाइन रिसेप्टर पे बैठ चुका है, दोनों रिसेप्टर पे। अब होता क्या है, देखो जैसे ही साइटोकाइन रिसेप्टर पे बैठेगा वैसे ही ये जो पास पे जो दो रिसेप्टर हैं ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और क्या कर लेंगे, डाइमर फॉर्म कर लेंगे। सेम एंजाइम लिंक्ड में भी यही हुआ था, है ना। देखो अब बनाते हैं इन रिसेप्टर्स को, इसके बाद की स्टेट दिखा रहे हैं हम कि ऐसा होने के बाद क्या हुआ है। ये आपका एक रिसेप्टर, ठीक है, और ये रहा आपका दूसरा रिसेप्टर, ठीक है। देखो अभी कितने दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही इनसे साइटोकाइन बाइंड हुआ, साइटोकाइन केवल एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और भी मॉलिक्यूल है जो इस पाथवे को फॉलो कर सकते हैं, बट हम एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं क्योंकि साइटोकाइन है सपोज ये, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सिंपल हुआ, साइटोकाइन आया रिसेप्टर से बाइंड हुआ, मोनोमर है, सिंगल सिंगल यूनिट थी। जैसे ही बाइंडिंग हुई दो रिसेप्टर से तो जो आसपास के जो बहुत नियरेस्ट होंगे वो दोनों क्या हुए, एक दूसरे के नजदीक आ गए, और नजदीक आने की वजह से क्या हुआ, अभी तक ये मोनोमर थे अलग अलग, अब क्या बन गया, डाइमर बन गया। और डाइमर ये भी आपको अभी भी नहीं लग रहा होगा, इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाते हैं, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है, जैसे एंजाइम लिंक में बना था
डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अब अटैच्ड हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहां पे, इसमें क्या होगा आपका, इस तरीके से टायरोसिन का रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एंजाइम लिंक्ड में था वैसे ही इसमें भी है, टायरोसिन रेसिड्यू प्रेजेंट था, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो साइटोकिन आया, बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद रिसेप्टर एक दूसरे के नजदीक आए, डाइमर फॉर्म हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अब ये डाइमर फॉर्म होने के बाद क्या होता है, देखिए जैसे ही ये डाइमर फॉर्म होता है तो हमारा इंट्रासेलुलरली एक आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है, अलग से घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है। ये एंजाइम कौन है आपका, जैक, ठीक है। जैक की फुल फॉर्म क्या होती है, जेनस काइनेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या है आपका, इंट्रासेलुलरली घूम रहा है, सेल के अंदर घूम रहा है, इससे फिक्स नहीं है, इसीलिए ये मैंने बताया एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से अलग इसी वजह से है। एंजाइम लिंक के केस में क्या था, यहीं पे आपका क्या था, टायरोसिन काइनेज अटैच था, रिसेप्टर से जुड़ा हुआ था, बट इस केस में जो एंजाइम है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं सेल के अंदर। लेकिन जैसे ही इस एंजाइम को पता लगेगा कि ये रिसेप्टर डाइमर बन चुका है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आके डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, फटाफट से जैक जाएगा, और जैक क्या करेगा, जैक को हम दिखा देते हैं किस तरीके से, ये है सपोज जैक, ठीक है, जैक है, जैक गया फटाफट से, और यहां पे दोनों जगह बाइंड हो गया, ठीक है। ये देखिए जैक गया और फटाफट से इसने क्या किया, इंट्रासेलुलरली हमारा जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड हो गया, इतना हुआ, ठीक है। अभी तक ये समझ में आया। अब ये जैक क्या करेगा, ये क्या है, जैक है, याद रखिएगा, ठीक, मैंने यहां पे आपका स्पेसिफाई भी किया हुआ है। अब ये जैक क्या करेगा, जेनस काइनेज, नाम क्या है इसका, जेनस काइनेज, ठीक है। काइनेज है तो बेटा क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, और जैसे यहां पे एंजाइम लिंक के केस में टायरोसिन काइनेज किया करता था, अब वही काम जेनस काइनेज भी करेगा। सीधे जेनस काइनेज क्या करेगा, इसे दिखा कि यहाँ पे टायरोसिन के मॉलिक्यूल हैं, इसने सीधे सीधे इनको क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेट कर दिया। ये जो टायरोसिन है ये भी फॉस्फोराइलेट हो गया, ये भी फॉस्फोराइलेट हो गया, ठीक हो गया, इतना समझ में आता है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अब जेनस काइनेज ने अपना काम कर दिया है, इसने जो टायरोसिन मॉलिक्यूल था इसे फॉस्फोराइलेट कर दिया, लेकिन अब क्या होगा, एक और प्रोटीन हमारी इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होती है, एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, स्टेट, ठीक है। सपोज किससे करें हम इसे, ठीक है, ये है वो एंजाइम, ये है आपका एंजाइम, ठीक है, इसका नाम क्या है, स्टेट। स्टेट की फुल फॉर्म क्या है आपका, सिग्नल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नाम अब देखो पूरी फुल फॉर्म से समझ में आ रहा है कि यही वो एंजाइम है जो सिग्नल स्टार्ट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा। किसके ट्रांसक्रिप्शन को, उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को, उस डीएनए के उस सेगमेंट के ट्रांसक्रिप्शन को जो साइटोकाइन के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाली प्रोटीन बनाएगा, यही होता है ना। देखिए अब जो ये स्टेट प्रोटीन है, जैसे ही जैक आया, ठीक है, जेनस काइनेज आया, इंट्रासेलुलरली बाइंड हुआ रिसेप्टर से, टायरोसिन को इसने फॉस्फोराइलेट कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो स्टेट थी इसे पता लग गया कि भाई जैक वहां बैठा हुआ है, इसने टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट कर दिया है, मैं अभी इनएक्टिव हूं, मैं भी जाके अपना एक्टिव हो लेती हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, स्टेट गई, स्टेट सीधे जैक के पास गई और इस तरीके से अटैच हो गई, यहां पे सेम वे एक स्टेट इसके साथ, देखो स्टेट यहां पे मैं लिख देती हूं जैक, ये जैक थी और ये क्या है, स्टेट प्रोटीन है, स्टेट भी आ चुकी है। अब क्या होगा, देखो ये जैक ने जब टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट किया है तो वो स्टेट को भी तो फॉस्फोराइलेट करेगा, क्योंकि वो तो सबके लिए सेम काम करता है। तो देखो क्या हुआ, स्टेट जो प्रोटीन थी ये भी क्या हो गई आपकी, फॉस्फोराइलेट हो गई। पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों स्टेट क्या हो चुकी है, फॉस्फोराइलेट हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। फॉस्फोराइलेट होना मतलब एक्टिव हो जाना, अभी तक ये एक्टिव नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा ये अब एक्टिव हो चुकी है। स्टेट का मतलब हो गया पूरा, क्यों आई थी वो जैक के पास, फॉस्फोरिलेट होने के लिए।
अब स्टेट ने अपना काम बना लिया है, ध्यान रखना जैसे ही स्टेट का फॉस्फोराइलेशन होगा, ये देखो ये स्टेट आया, ये इस वाले जैक से जुड़ा, ये स्टेट आया इस जैक से जुड़ा, लेकिन जैसे ही ये स्टेट आपकी फॉस्फोराइलेट होंगी तो दोनों आपकी जो स्टेट हैं इनके बीच आपका क्या हो जाएगा, आपका डाइमराइजेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो दोनों रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हुआ था ना, दोनों एक साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गए थे, सेम यहाँ पे भी होगा, ये स्टेट फॉस्फोराइलेट होने के बाद एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, डाइमर फॉर्म हो जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, आप क्या कहेंगे, ये क्या हुआ आपका डाइमर, डाइमराइजेशन ही लिख देते हैं प्रॉपर, डाइमराइजेशन ऑफ स्टेट आफ्टर फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ स्टेट क्या बना दिया, डाइमर बना दिया, यानी कि अभी अकेली नहीं है, ये दोनों क्या हो चुकी हैं, कंबाइन हो चुकी है रिसेप्टर की तरह। अब देखो स्टेट का अपना काम पूरा हो गया भाई, ये एक्टिवेट भी हो चुकी है, डाइमर भी फॉर्म हो चुका है इनका। अब ये सीधे यहां से क्या हो जाएंगी आपकी, हट जाएंगी, यहां से जैक को छोड़ के बाहर निकल जाएंगी, और इस तरीके से देखिए स्टेट जो है डिसोसिएट हो गई जैक से। तो अब स्टेट अलग से बना लीजिए, इस तरीके से हमारी जो स्टेट है, ये एक स्टेट था, ये दूसरा स्टेट था, दोनों क्या है आपके डाइमर फॉर्म हुआ है, इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं इन्हें। और फॉस्फोरिलेटेड है, अगेन ये भी फॉस्फोरिलेटेड है, ये भी फॉस्फोरिलेटेड है, दोनों कौन सी है, स्टैट प्रोटीन है, स्टैट एंड स्टैट डिसोसिएट हो गई, ऊपर से निकल गई, काम पूरा इनका हो चुका था। अब जो ये डाइमर है, यानी कि दो स्टैट जो कंबाइंड होकर डाइमर बनाई हुई है, ये डाइमर कहाँ जाएगा, सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, हमारा यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस बना लेते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर, सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डीएनए है, ये डीएनए था। तो ये जो स्टैट प्रोटीन है ये कहाँ चले गई, ये इट मूव्स टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये प्रोटीन चले गई है। अब न्यूक्लियस में जाके ये डीएनए के उस स्पेसिफिक सीक्वेंस से जाके बाइंड होगी, जो क्या करने वाला है, साइटोकाइन से रिलेटेड प्रोटीन बनाने वाला है, जो साइटोकाइन के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ये सीधे सीधे क्या करेगी आपका, उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगी जो साइटोकाइन के फंक्शन को परफॉर्म करता हो। तो हम सीधे लिख सकते हैं, सपोज ये वो जीन था, इतने एरिया में था, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से गई, ये दोनों बना दिए मैंने, ये था आपका, ठीक है, यहाँ पे गई और यहाँ पे इसने क्या किया, पर्टिकुलर इस जीन को यहाँ पे जो इस डीएनए के इस सेगमेंट में जो जीन थी उसको एक्टिवेट कर दिया। जीन एक्टिवेट हो गई तो क्या होगा बेटा, डीएनए से क्या बनेगा आपका, एमआरएनए बनेगा, स्पेसिफिक कौन सा एमआरएनए बनेगा, इस पर्टिकुलर जीन का कोड लेके जाएगा वो, ठीक है, एमआरएनए बना। अब एमआरएनए कहाँ जाएगा आपका, राइबोसोम में जाएगा और क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। अब ये प्रोटीन जो है ये क्या करेगी, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, यानी कि ये साइटोकाइन के फंक्शन को परफॉर्म करेगी। तो ये था जैक स्टेट पाथवे, ठीक है, कैसे एक मॉलिक्यूल ने इस पाथवे को फॉलो किया और फाइनली अपना इफेक्ट दिखाया। और देख रहे हो जो चेंजेस आए, जीन लेवल पे चेंज आए और इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि आपकी वही प्रोटीन बनी जो कि क्या करती है, इसका फंक्शन परफॉर्म करती है साइटोकाइन का, ठीक है। तो ये था हमारा जैक स्टेट पाथवे, सेम है एंजाइम लिंक की तरह है बट डिफरेंट है, क्योंकि एंजाइम लिंक में तो केवल एक एंजाइम था टायरोसिन काइनेज, वो भी रिसेप्टर से एसोसिएटेड था। इस केस में जैक और स्टेट दो आपकी प्रोटीन इन्वॉल्व है, और किस तरीके से ये आती हैं और किस तरीके से ये सीक्वेंसिंग होती है ये जानना जरूरी है। तो ये था जैक स्टेट पाथवे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।